डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक यस आई पी टी टू मेरे सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जिनके लिए आई एम सॉरी कि एम पी पी का मैं नया एडिशन नहीं ला पाया लेकिन पुराना एडिशन भी उतना ही रिलेवेंट था क्योंकि पिछले साल और इसमें कोई फर्क नहीं है एक साल के क्वेश्चन का और क्वेश्चन लगभग एक जैसे आते हैं और अब तो ये सी बी सी एस सिलेबस आप लोग के साथ ही ये खत्म हो जाने वाली है इसलिए क्वेश्चन इसमें बहुत ट्विस्टेड नहीं आ रहे तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कोई परेशानी हुई होगी फिर भी आपके रिक्वेस्ट पे आई पी टी टू दिल्ली यूनिवर्सिटी के अभी मुझे बताया गया है कि परसों है ट्वेंटी तो शायद ट्वेंटी कल है ओ कल है तो उसको चलिए ये वीडियो आज रात में आपको हेल्प कर सकती है तो मैंने थोड़ा सा टाइम चुरा के आपके लिए आधे घंटे चलिए इसको जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं वैसे बहुत लंबा सिलेबस है लेकिन डिस्कस uh, करने में बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थ्री ईयर्स पेपर ट्वेंटी वैल्यू मत दीजिए इंडियन पॉलिटिकल थॉट टू जो सिक्स सेमेस्टर सीबीसीएस सिलेबस की है जो कि इसके साथ ही खत्म हो जाना है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एडिसन लेटेस्ट बिगिन इसकी जो सिलेबस थी मैं कहूंगा अब तो न्यू सिलेबस आएगी इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट उसके फीचर्स क्या हैं उसके जो डिफरेंट स्ट्रैंड जो हैं डिफरेंट आप कह सकते हैं धाराएं क्या हैं उसके और उसके बारे में आपको बेसिकली जानना था और वो कैसे उसके कॉन्टेक्स्ट क्या है किस कॉन्टेक्स्ट में ये डेवलप हुई थी ऑफकोर्स वो कोलोनलिज्म और नेशनल मूवमेंट का जो कॉन्टेक्स्ट था दैट वॉज ओवर उसी के उसी के परस्पेक्टिव से पूरी जो है इंडियन पॉलिटिकल थाट मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थाट जो है वो डेवलप होती है शुरुआत मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की राजा राम मोहन रॉय से होती है बंगाल रिनेसा से नाइनटीन सेंचुरी के लगभग फर्स्ट हाफ में एटीन थर्टी सब में फिर जो है पंडिता रमाबाई आपको पढ़ाया जाता है जो फर्स्ट ट्रू फेमिनिस्ट कही जा सकती हैं एक तरह एक तरह की रेडिकल फेमिनिस्ट उन्होंने हिंदू धर्म तक छोड़ दिया था विवेकानंद से बड़े थिंकर शायद इंडिया में कोई नहीं हुए मॉडर्न काल में उनकी आइडियल सोसाइटी आपको पढ़नी है गांधी जी का स्वराज पढ़ना है अंबेडकर की सोशल जस्टिस सबका एक एक थीम ही आपको पढ़ना है टेगोर हाउ ही वॉज ए बिग क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म इकबाल की जो कम्युनिटी के बारे में अवधारणा थी मिल्लत वो पढ़नी है सावरकर का हिंदुत्व पढ़ना है नेहरू की सेक्युलरिज्म और लोहिया का सोशलिज्म सो दिस अ वेरी गुड सिलेबस आई मस्ट से और मैंने इसको बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया है इस पर एग्जाम गाइड भी लिखा है थोड़ा ली एंजॉयड देखते हैं नई सिलेबस एन में कैसा आता है लास्ट मिनट टिप मैं ये कह सकता हूं कि 11 थीम है इसमें और आठ ही क्वेश्चन आते हैं आप पता है पुराने आठ क्वेश्चन में सात ही क्वेश्चन होते हैं आठवां तो आ, नोट्स होते हैं तो आपको आ, ये डेफिनेट है कि कुछ थिंकर्स से या तो नोट पूछ पाएंगे या उसको छोड़ देंगे जनरली इकबाल नेहरू और लोहिया चेगोर से तो शायद फुल क्वेश्चन पूछते तीन चार को ये छोड़ देते हैं इकबाल और लोहिया को जनरली अभी आजकल जो है नेहरू को भी जो आजकल छोड़ा जा रहा है सावरकर भी पहले छोड़ा जाता था अभी डिस्पेंसेशन uh, के चलते हो सकता है कि हिंदुत्व काफी पॉपुलर है तो उससे क्वेश्चन आ जाए टेगोर से क्वेश्चन आती है विवेकानंद से भी फुल क्वेश्चन आते हैं और राजा राम मोहन राय को जनरली नहीं छोड़ा जाता है तो उनसे भी फुल क्वेश्चन आने की संभावना रहती है तो आपको यही छह सात क्वेश्चन इन थिंकर से रहेंगे आईपीटी टू में जनरली जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन ट्विस्टेड हो सकते हैं उसको आपको सीधा करना होता है सीधा करने का मतलब ये होता है उसके इर्द गिर्द आपको लिखना होता है जैसे ये क्वेश्चन देखिए विवेकानंद आइडियल सोसाइटी रिफ्लेक्टेड हिज ह्यूमनिस्ट थॉट अब ये घुमा हुआ क्वेश्चन है एक्चुअली कुछ नहीं करना आपको विवेकानंद का आइडियल सोसाइटी लिख देना है क्योंकि आइडियल सोसाइटी यदि वर्णन करेंगे तो वो उनके ह्यूमैनिज्म से ही निकलता है ह्यूमैनिज्म का क्या मतलब है जो यूरोप में भी हुई कि ह्यूमन को सेंटर में रख के जब हम सभी वर्ल्ड के फिनोमेना को एनालाइज करते हैं तो उसको ह्यूमनिज्म कहते हैं मतलब ह्यूमन से ऊपर कुछ भी नहीं है और ह्यूमन के नजरिए से नेचर को भी देखना समाज को भी देखना और जितनी और फिनोमेना है सबको देखना और समझने की कोशिश करना ह्यूमनिज्म ह्यूमन सेंटर में तो इसको जो है ट्विस्ट करके आप जो है लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट एंड स्टैंडर्ड आंसर अब तो आप समझ गए होंगे मेरे इन दो वर्ड का मतलब कि क्या होता है अप्रोक्सीमेट एंड स्टैंडर्ड आंसर मैं हमेशा समझाता रहता हूँ कि आप इर्द गिर्द यदि यहाँ पे टू द पॉइंट हो तो आप इसके इर्द गिर्द लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड टर्म फ्रेजे सेंटेंसेज स्टैंडर्ड जो तरीका लिखने का होता है किताबी उस टाइप का लिखा कीजिए और पॉल एंड की जो एग्जाम गाइड है आप उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं मैं देख रहा हूँ काफ़ी वो आपकी वजह पॉपुलर है और बहुत ही अच्छी रिसोर्स है मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि वो सिलेबस चेंज होने के चलते उतनी रिलेवेंट नहीं रह जाती होगी करीब सिक्सटी परसेंट रिलेवेंट रह जाती है नए सिलेबस के लिए और फिर मुझे मेहनत करनी पड़ती है फोर्टी परसेंट के लिए जो मैं कई बार अभी कर भी नहीं पा रहा हूं जैसे फोर्थ सेमेस्टर एन ईपी के लिए तो जब तक आप के लिए हंड्रेड परसेंट रिलिवेंट है तो उसका पूरा फायदा उठाइए इंस्टा मोजो पे है पीडीएफ वर्जन में आप चाहें तो प्रिंट करके पढ़ भी सकते हैं अब आइए हम थीम वाइज पास्ट ईयर जो पेपर है उसको देखने की कोशिश एनालाइज करते हैं फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू मॉदर इंडियन पॉलिटिकल थॉट अब यहां पे पहला ही क्वेश्चन जो 2023 में पूछा वो ट्विस्टेड क्वेश्चन था ये क्या क्वेश्चन है टेकिंग द बैकग्राउंड ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटी की मेन फीचर पूछ रहे हैं ये भी एक अजीब बात है, नॉट इंडियन पॉलिटिकल थाट और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बैकग्राउंड जो है आपको लेना है हिंदू पॉलिटिकल एंड सोशल थाट का तो ये क्या कहना चाहते हैं ये थोड़ा सा सेटर ठीक से सेट से, से नहीं कर पाए मेरे हिसाब से यदि आप ये सोच रहे हैं कि जो एक हिंदू नेशनलिस्ट जो पॉलिटिकल थॉट की धारा थी जिसमें तिलक आते थे जिसमें औरबिंदो भी आ सकते हैं और जिसमें कई सारे ऐसे फोर्सेस थे हिंदुत्व कह सकते हैं जो कि हिंदू पॉलिटिकल एंड सोशल थॉट उनके लिए प्रमुख था और वो उसको रिवाइव करना चाहते थे इवन दयानंद सरस्वती भी आप उसमें कह सकते हैं विवेकानंद एक अलग तरीके से उसमें जुड़ते हैं तो उनकी जो उनके जो थॉट थे हिंदुत्व उससे जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो प्रभावित हुआ वो एक धारा में बदली जिसको आप हिंदू रिवाइवलिस्ट थॉट जो है आप कह सकते हैं जिसको कि तिलक उसको सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन और भी जो मैंने थिंकर बताया वो भी उसको रिप्रेजेंट करते हुए लगते हैं जो कि बात करेंगे वेद की पुराणों की हमारी जो प्राचीन संस्कृति है हिंदू की जो ट्रेडिशन है हिंदू की जो सोसाइटल जो परंपरा है जो नॉर्म्स हैं उसको वो लेकिन जो बीच में जो मुस्लिम शासन है उसको एक तरह से वो एक्सक्लूड करते हैं वो उसको अपने इतिहास का पार्ट नहीं मानते हैं इसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है आप देख सकते हैं भारत माता को जब माता रूप दिया गया तो उससे भी प्रॉब्लम आई बहुत सारे हिंदुत्व जो सिंबल हैं जो जो जो, जो हमारे रिलीजियस सिंबल है वो नेशनलिज्म में या हमारे पॉलिटिकल थॉट में आते हैं तो उससे भी जो भी मतलब एक तरह का टाइप की बात होती है और उससे एक तो हुआ ही कि रिलीजियस बेसिस पे कंट्री का अल्टीमेटली बंटवारा हो गया और उसके बाद भी वो फोर्सेज अभी भी रुकी नहीं है अभी भी कंट्री में हम उसी दौराहे पे हमें लगता है पहुंच गए हैं जहाँ पे कि फिर मुस्लिम क्वेश्चन हमारे लिए उतना ही विकट रूप है कि उस उनका क्या किया जाए जो कि करीब बीस करोड़ से भी ज्यादा हमारे यहाँ मुस्लिम हैं तो फिर जो है हम उसी जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ आजादी के पहले थे तो इसलिए ये क्वेश्चन खासा ट्विस्टेड है आप उसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं लेकिन मैं कहूंगा कि इसको अप्रॉक्सीमेट आंसर लिखने के लिए यदि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप जो हिंदू रिवाइवलिस्ट या हिंदू नेशनलिस्ट जो विचारधारा या धारा जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट की वो मैंने अपने गाइड में और जो वीडियो लेक्चर में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए और उसके क्या क्या उसके फीचर्स हैं उसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए 2022 में डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है इसके कुछ फीचर बहुत ही बहुत ही आपको यूजुअल हैं जो आप ऐसे भी इन ट्यूशन से सोच सकते हैं एक तो कि हॉब्स लॉक रूसो की तरह कोई बहुत ही ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर यहाँ पे नहीं हुए और दूसरा है कि ये हमेशा एक कॉन्टेक्चुअल रहा ये जो वेस्टर्न जो पॉलिटिकल थाट थे खास करके इनलाइटनमेंट थ्योरी और वेस्टर्नाइजेशन यूटिलिटेरिज्म उसके फॉर या अगेंस्ट में यहाँ पे धाराएं बनती रही और तीसरा इसमें देखेंगे तो गांधी जैसे लोग दिखते हैं जो कि उन्होंने समन्वय किया सिंथेसिस किया जो ओल्ड हिंदू सोशियो सोशियोपोलिटिकल थाट है उसको उन्होंने वेस्टर्न से एक तरह से सिंथेसाइज करके एक अलग धारा निकाली लेकिन जैसा मैंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन में कि कुछ थिंकर बिल्कुल सिंथेसाइज उन्होंने नहीं किया बिल्कुल हिंदू रिवाइवलिस्ट थॉट को लेकर के आया सावरकर भी उसमें से एक कहे जा सकते हैं तिलक भी कहे जा सकते हैं स्पिरिचुअलिटी जो है काफी हमारे यहाँ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में दिखती है खास करके और विंदो को लीजिए इवन तिलक के स्वराज में गांधी जी के स्वराज में ये इट इज नॉट मेटेरियलिस्टिक और सिंपल नहीं था काफी ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म उसमें थी तो कई फीचर आप इसमें देख सकते हैं और वो मैंने अपने गाइड में भी लिखा है लेक्चर में भी लिखा है बहुत आसान क्वेश्चन है कोलोनलाइजेशन प्रोवाइड द कॉन्टेक्स्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन पोलिटिकल थॉट मैंने आपको बताया कि दो कॉन्टेक्स्ट ओवर बियरिंग है उसी के साय में मॉडर्न इंडियन पोलिटिकल थॉट जो है डेवलप होती है एक कोलोनियलिज्म है तो एंटी कोलोनियल थॉट जो है वो बहुत सर चढ़ के बोलता है और दूसरा आ, जो जो ओवर बियरिंग है वो नेशनल मूवमेंट की जो थाट है ये दोनों से कैसे हमारा जो है इंडियन पोलिटिकल गढ़ा जाता है या प्रभावित होता है और कैसे उससे हम जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट बनता है ये मैंने कई जगह बताया है गाइड में आप पढ़ सकते हैं और लेक्चर में 2019 में क्वेश्चन राइट एंड इससे ऑन मेजर करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट ये तो ठीक है वही फीचर और करेक्टरिस्टिक तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इसमें थीम्स फीचर और कॉन्टेक्ट और स्ट्रैंड जो डिफरेंट स्ट्रैंड जो है ये आपको यही इसमें पढ़ने हैं राम मोहन रॉय हम सभी जानते हैं कि ये चैंपियन ऑफ राइट्स हैं खास करके वुमेन राइट्स सॉरी यहाँ बहुत छोटा छोटा लिखा गया है सॉरी फॉर दिस 2023 में क्वेश्चन है व्हाट वेयर द मॉडर्नाइजिंग एलिमेंट इन राम मोहन रॉयज व्यूज एंड व्यूज ऑन एजुकेशन तो एजुकेशन पे उनके जो व्यू है काफी मॉडर्न थे उनका कहना था कि मॉडर्न जो इंग्लिश एजुकेशन है साइंस है मैथमेटिक्स है फिलोसफी है वो पढ़ना चाहिए संस्कृत एजुकेशन को एक तरह से वो अच्छा नहीं मानते थे क्योंकि उनको लगता था कि उससे बहुत भला होने वाला नहीं है आज यदि आप इंडिया में देखेंगे तो राजा राम मोहन के हिर थॉट को आगे हम लोग जो है बढ़ा रहे हैं तो उस टाइम में ये विजन होना कि हमें मॉडर्न एजुकेशन वेस्टर्न जैसा एजुकेशन चाहिए ये भी एक नई बात थी 2022 में है डू यू एग्री दैट राजा राम मोहन फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया फादर ऑफ बंगाल रिनेसा मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कई कई तरीके से गढ़ा जाता है तो यस क्योंकि इनके थॉट में आप देखिए अभी एजुकेशन के हम लोगों ने बात की इन्होंने जो है वुमेन की जितनी भी राइट्स थे और जो उनमें सामाजिक कह लीजिए कुरीती थी लाइक सती प्रथा है बाल विवाह विधवा विवाह करवाना ये सब उन्होंने उस समय के कॉन्टेक्स में आप समझिए कितना डिफिकल्ट होगा इन्होंने किस तरीके से इसकी पैरवी की होगी कि वायसराय भी लॉर्ड विलियम बेंटिक उसको करने के लिए तैयार हुए कितना इन, इन्हें ताकत लगी होगी फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए उन्होंने इतना स्ट्रगल किया और जो एक लिबरल डेमोक्रेसी जो हो सकती है जो फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड डेमोक्रेसी जो भी पूरी दुनिया में चल रही है उसके लिए उस समय में वो स्ट्रगल करते थे तो ये काफी एक विजनरी लीडर थे जिनको कि बहुत यश उस तरीके से नहीं मिला राजा राममोहन रॉय को तो यस ही वाज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया 2020 में क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन राजा राममोहन रॉयज बी ऑन सिविल एंड रिलीजियस राइट्स तो ये तो मैंने पूरा ही अपने गाइड में लिखा है क्योंकि राइट्स के वो चैंपियन है तो किस किस तरीके से खासकर वुमेन राइट्स की बात वो करते हैं लिबरलिज्म की बात करते हैं जो फंडामेंटल राइट right को देता है फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं एंड रिलीजियस राइट्स भी की हमें जो है कॉन्सियंस की राइट होनी चाहिए अपने तरीके से अपने पूजा पाठ या धर्म को फॉलो करने की right राइट होनी चाहिए तो बहुत सारे जो लिबरल थाट हैं उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में राजा राम मोहन राय उठाने वाले पहले व्यक्ति थे मेजर व्यक्ति 2019 में डू यू एग्री दैट राजा रामोहन रॉय वॉज फादर ऑफ इंडियन रेनेसा तो ये दोनों क्वेश्चन एक है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया फादर ऑफ बंगाल रेनेसा फादर ऑफ इंडियन रेनेसा रेनेसा मतलब एक नव जागरण जो हम सोए हुए थे जो मुगल काल या जो मिडिवल uh, पीरियड और कैसे हम जागते हैं और कैसे हमारा जो है नेशनल कॉन्सियसनेस जागता है हम एक नेशन के तौर पे उठ के खड़े होते हैं आजाद होते हैं और सेल्फ गवर्निंग नेशन बनते फोकस थीम इसमें चैंपियन ऑफ राइट्स है फादर ऑफ इंडियन या बंगाल रिनेसा है ये तो चलिए ठीक है ये तो गेस्ट तो मैं बहुत ज्यादा इसको वैल्यू नहीं देता हूँ राइट्स और वोमेंट्स राइट्स को देख लीजिएगा पंडिता रमा भाई जो है वो जेंडर और कास्ट दोनों के इंटरसेक्शनलिटी पे उनका खासा जो है योगदान रहा है वो उन्होंने बुक जो लिखा था हाई कास्ट हिंदू वोमेन तो आप देख सकते हैं कास्ट और हिंदू मतलब किस तरह जो है वो वोमेन जो कि हाई कास्ट की हैं, उस पर उन्होंने फोकस किया था कि उनकी समस्या क्या है जब वो विधवा होती हैं, तो उनको क्या झेलना पड़ता है वो खुद भी हाई कास्ट की हिंदू वुमेन थी और खुद भी विधवा हुई थी और उनको भी वो झेलना पड़ा था तो कास्ट और जेंडर पे जो उनके थॉट हैं वो काफी एक तरह से रेडिकल थाट थे 2023 में क्वेश्चन है क्रिटिकली वाइज राइटिंग ऑन इमेंसिपेशन ऑफ तो ये तो पूरा थीम ही है कि क्या वुमेन को क्या करना चाहिए कैसे उनको एजुकेशन करना चाहिए कैसे उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए वुमेन वुमेन को हेल्प करे उससे उनकी इमेंसिपेशन हो सकती है और वो एजुकेशन बेस्ड होगा ये भी उनका कहना था और कैसे उनको इक्वलिटी मिलनी चाहिए समाज से पहले घर में कैसे मिलनी चाहिए सारी बातें जो है मैंने अपने वीडियो जो पंडित रमाबाई पे है वो उसको आप देखिए और गाइड में भी है 2022 में क्रिटिकली एनालाइज पंडिता रमाबाइज कंट्रीब्यूशन टू जेंडर इशू इन सेंचुरी ये जनरल क्वेश्चन है अप्रॉक्सिमेट आपको लिखना है कि उनके विचार औरतों के बारे में क्या थे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में क्या थे और कैसे जेंडर इक्वलिटी जेंडर जस्टिस हो सकती है ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन लगभग मिलता है दो में क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पंडिता रमा बाई ऑन जेंडर इशू सेम सेम Uh, 2018 में है राइट नोट ऑन व्यूज ऑफ पंडिता रमाबाई ऑन जेंडर ये भी सेम क्वेश्चन तो ये तीन साल लगातार सेम क्वेश्चन एग्जामिन पंडिता रमाबाई क्रिटिक ऑफ कास्ट एंड जेंडर इन हिंदू सोसाइटी ये दोनों को उन्होंने इंटरसेक्शनलिटी कर दिया हमें मिला दिया जेंडर एंड कास्ट पे उनके जो विचार थे तो सब एक ही तरह क्वेश्चन है जेंडर और कास्ट पर उनके क्या व्यू थे ये उसको थोड़ा सा पैराफ्रेज करके इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन लिखते हैं वो भी एक वही है कि जेंडर जो इनजस्टिस है उसे कैसे वुमेन को मुक्ति मिले विवेकानंद जो है उसके आपका आइडियल सोसाइटी पढ़नी तो सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हैं लेकिन 2023 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है नोट पूछता है विवेकानंद व्यू ऑन रिलीजन तो इसमें एक खासा बात ये तो मैंने कई जगह बताया रिलीजन पे उनका ये कहना था कि कोई रिलीजन खराब नहीं है कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है और कोई भी रिलीजन जो बुरा नहीं होता है सब जो है ह्यूमन की सेवा सिखाता है सब प्यार सिखाता है तो मजहब नहीं सिखाता आपस में प्यार रखना यही उनका कहना था और रिलीजन को हमें दोष नहीं देना चाहिए दे हमारा सामाजिक बुराई है उनका ये कहना था इसे मान लो सती प्रथा है या अदर सामाजिक बुराइयां है जितनी हैं या छुआछूत है कास्ट सिस्टम है हम टॉर्चर करते हैं छोटी कास्ट को मान लो तो इनका कहना था कि इसका रिलीजन से नाता नहीं है आप ये नहीं कह सकते हो कि रिलीजन हमारा बुरा है इसीलिए जैसे कि अम्बेडकर कहने लगे थे या पंडा रमाबाई कहने लगे थे कि हिंदू रिलीजन ही बुरा है उनका कहना था नहीं रिलीजन को आप कभी बुरा नहीं कर सकते उसको समाज किस तरीके से यूज करता है ये समाज की अपनी समस्या है ये रिलीजन और समाज में वो फर्क करते हैं 2022 में क्वेश्चन है क्रिटिकली इवैल्युएट विवेकानंद कॉन्सेप्ट ऑन आइडियल सोसाइटी उनके लिए आइडियल सोसाइटी क्या है इस पर तो पूरा मैंने वीडियो ही बनाया है उसको देख लीजिए अभी यहां एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूं लेकिन वो सोसाइटी ऐसा है जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं है फर्स्ट और ह्यूमन जो है एक दूसरे ह्यूमन की सेवा करता है एक तरह से इमानुअल कांत का कैटेगोरिकल तो इंपेरेटिव लोग मानते हैं और सेंट अगस्ताइन का वो सिटी ऑफ गॉड जैसा है जिसमें कि सबको समान भाव से देखा जाता है सबको समान अधिकार है कोई छुआ छूत कोई ऊंच नीच नहीं है जिसमें सबको जो है अधिकार मिलता है तो एक तरह का सोशल जस्टिस और सोशल इक्विटी होती है तो इस तरह के समाज की ऊपर कल्पना करते हैं दो में डिस्कस स्वामी विवेकानंद थॉट ऑन सोशल रिफॉर्म इन इंडिया काफी सारे उसके लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की उनका ये कहना था कि सोशल रिफॉर्म इज रिक्वायर्ड लेकिन रिलीजियस रिफॉर्म जिसको हम कहते हैं वो एक्चुअली सोशल रिफॉर्म है रिलीजन कोई बुरा नहीं होता रिलीजियस रिलीजन हमेशा आपको सही रास्ते पर ले जाता है डिस्कस द रिलिवेंस ऑफ वे अकाउंट फिलोसफी ऑन आइडियल सोसाइटी आइडियल सोसाइटी ये सब आइडियल सोसाइटी पे है एक दो थोड़ा सा सोशल रिफॉर्म पे और रिलीजन पे तो मेरी वीडियो देख लीजिए और गाइड पढ़ लीजिए तो आइडियल सोसाइटी अभी भी जो है जो कि सीधा सा लिंक है सोशल रिफॉर्म से बेसिकली जो उनकी आइडियल सोसाइटी थी वो सोशल रिफॉर्म पे बेस थी यदि आप सोशल रिफॉर्म करते हैं अनटेचेबिलिटी को दूर करते हैं जो दबे कुचले हैं उनको समान अधिकार देते हैं सबको जो है आप एजुकेशन देते हैं सोशल जस्टिस देते हैं सोशल इक्विटी देते हैं जो सामाजिक कुरीति है उसको आप रोकते हैं तो आप सोशल रिफॉर्म करते हैं और वही समाजियल समाज, समाज बनता है गांधी जी के स्वराज पे तो जितना कहा जाए कम है इस पे तो मैंने पूरी वीडियो बनाई है और गाइड में तो लिखा ही है दो तो हजार में है क्रिटिकली इवेल्यूएड गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज इनका स्वराज जो है वो नॉर्मल वेस्टर्न कॉन्सेप्ट का इंडिपेंडेंस नहीं था इनका कहा था कि इंडिविजुअल के लिए स्वराज का मतलब है अपनी ऊपर विजय मतलब एक गाना है ना कि दूसरे के जय से पहले खुद को जय करें तो खुद को जय करने का मतलब क्या होता है कि आप मोरली रीजनरेट होते हो आप इमेंसिपेट हो जाते हो आप एक हायर इंडिविजुअल बन जाते हो आपको अपने ऊपर कंट्रोल हो जाता है जो ईसया बर्लिन कहते हैं कि आप मास्टर ऑफ सेल्फ कंट्रोल हो जाते सेल्फ डायरेक्टेड हो जाते हो मास्टर ऑफ योर विल हो जाते हो तो उसके लिए एक तरह से तपस्या करनी पड़ती है जो उसके आपके विल पे आपके डिजायर पे आपका काबू होता है और आप अपने अंदर का जो भेदभाव तमस है उसको जला डालते हो उसमें रोशनी पैदा होती है और आपको कोई जो है ना हिंदू दिखता है ना मुस्लिम दिखता है ना सिख दिखता है ईसाई दिखता है ना नीच दिखता है ना ऊपर दिखता है ना कोई गरीब अमीर आपको सब जो है मानव जो है आपके भाई बहन के समान दिखते हैं आप उसकी सेवा में जुड़ जाते हो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है कभी कटुता नहीं होती है तो ये जो इस तरह का जो इवॉल्व आदमी होता है जो अपना काम खुद करता है अपनी हाथ से वो लेबर करता है जमीन पर भी सोने में उसे कोई तकलीफ नहीं होती है उस टाइप का जो मतलब जो सादा जीवन उच्च विचार इस टाइप का जो व्यक्ति यदि आप बनते हो तो आप स्वराज आप प्राप्त करते हो गांधी जी एक कम्युनिटी कैसे स्वराज प्राप्त करता है यदि कम्युनिटी जो है सेल्फ रिलायंट है खुद ही किसी पे डिपेंडेंट नहीं है उसमें हारमनी है कोई समाज उस समाज में कम्युनिटी में कोई ऊंच नीच छुआ छूत भेद भाव, दुराव, छिपाव नहीं है और वो जो है एक व्यक्ति से लेके और पूरे देश तक जो है नॉन हिरार्किकल वे में एक दूसरे को हेल्प करता है समाज तो ऐसा जो सेल्फ रिलायंट सेल्फ गवर्निंग और नॉन हिरार्किकल हारमोनियस समाज जो इसको उसमी सर्कल उन्होंने कहा था ये जो है एक कम्युनिटी के लिए स्वराज है आप समझ सकते हो कितने हाई लेवल पे ये बात कर रहे हैं 2022 में इवेल्युएट गांधी जी नौसन ऑफ स्वराज विच इज स्पेशल रेफरेंस टू ए जे पारेल अब ये क्वेश्चन जो है आपको लेगा ए जे पारेल कहां से आ गया इसको आप भूल जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है ए जे पारेल ने एक बुक लिखा था यहाँ पे मैंने दिया भी है गांधीज फिलॉसफी एंड क्वेस्ट फॉर हार मैन ए जे पारेल उसमें उन्होंने वही बात कही थी जो मैंने आपको कही है तो गांधी जी का नोशन जो स्वराज का है उसको सीधा आपको लिख देना है और लिखना है ए जे पारेल ने ऐसा कहा है 2022 में नोट ऑन गांधी क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन उनका जो स्वराज है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे एक क्रिटिक भी है क्योंकि वो वेस्टर्न एजुकेशन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वेस्टर्न 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 पॉलिटी नेशनलिज्म सिविलाइजेशन को नकारते हैं उनका मानना है कि हमारे सिविलाइजेशन में बहुत दम है हम उससे सीख सकते हैं 2021 में क्वेश्चन एग्जामिन गांधी स्वराज एज इट्स क्रिटिक ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन जैसा मैंने कहा कि उनका स्वराज क्रिटिक ही है मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन इनफैक्ट ये जो बुक लिखते हैं स्वराज वो जब लंदन में काफी दिन वो रहे थे और वहां पर उन्होंने बहुत करीब से वेस्टर्न सिविलाइजेशन वेस्टर्न पॉलिटी को देखा पार्लियामेंट के फंक्शन और उसके बेसिस पे जब वो रिटर्न हो रहे थे जहाज पे जिसमें कई दिन लग जाते हैं साउथ अफ्रीका तो उसमें उन्होंने वो किताब लिख डाली थी 2020 में क्वेश्चन एनालाइज वेरियस डायमेंशन ऑफ स्वराज हाउ इट्स कॉन्सेप्ट रिलीवेंट इन कंटेम्प्रेरी टाइम चार डायमेंशन है उसमें आप उसको देख सकते हैं और अभी भी उतना ही रिलीवेंट है जितना उस समय में ऑफकोर्स उसको फॉलो करने वाले लोगों की संख्या घटती जा रही है 2019 में क्वेश्चन है डिस्कस गांधी जी आइडिया ऑफ स्वराज डू यू थिंक इट इज रिलेवेंट टुडे तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है यस इट इज वेरी मच रिलेवेंट मैंने ये गाइड में भी लिखा है वीडियो में भी लिखा है अंबेडकर जो है उनकी सोशल जस्टिस फोकस है क्योंकि आपको पता है वो सोशल डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं और वो सभी तबका खास करके दबे कुछले माजलाएं दलित को जो है वो राइट्स दिलाना चाहते हैं उनको सोशल इक्विटी मतलब जो दबे कुचले हैं उनको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलग टाइप की जो है एक तरह से पॉजिटिव फेवर कह लीजिए या अफर्मेटिव एक्शन उसकी वो बात करते हैं इनफैक्ट वो तो सेपरेट इलेक्ट्रोएट की बात दलित के लिए भी करते थे लेकिन उनको मानना पड़ा गांधी जी के जीत के आगे लेकिन वो रिजर्वेशन तो उन्होंने मनवाया तो 2023 में क्वेश्चन है डिस्कस बी आर अम्बेडकर व्यू ऑन डेमोक्रेसी सोशलिज्म एंड सोशल जस्टिस तो ये हमेशा सोशल जस्टिस आएगा और सोशलिज्म भी आएगा क्योंकि वो एक्चुअली वो सोशलिस्ट थे सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कोई ऊंच नीच ना हो इकोनॉमिक समता होनी चाहिए और उनका डेमोक्रेसी जो है एक तरह का सोशल डेमोक्रेसी है इन तीनों आ, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो सोशल डेमोक्रेट एक तरह से आप उनको कह सकते हो जो सोशल जस्टिस को बढ़ावा देते हैं 2022 में क्वेश्चन अम्बेडकर व्यू ऑन कास्ट एंड जस्टिस पे एग्जामिन कीजिए तो कास्ट को तो वो सबसे बड़ा जो है वो एक अपराधी मानते थे इंडियन समाज कभी अच्छा नहीं होगा उनका कहना जब तक है यहाँ कास्ट सिस्टम है तो उन्होंने कास्ट मतलब कास्ट को जला डालो खत्म कर डालो उनका कहना था। उनका कहना था था उनका कि कास्ट से आप कभी बच नहीं सकते हो आगे जाओ दाएं जाओ पीछे जाओ बाएं जाओ हर जगह आपको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन दिखता है और कास्ट जो है वो जस्टिस के बिल्कुल अगेंस्ट में है तो कास्ट को यदि हटाएंगे तभी इंडिया में जो है इंडियन समाज में जस्टिस आएगी लेटर का ये भी कहना था कि कि इसके लिए उन्होंने कहा कि हम हिंदू रहेंगे ही नहीं और वो जो है उन्होंने अपना लिया जस्टिस की जो बात आती है वो सोशल जस्टिस जब जब दबे कुशल लोगों को बराबर हिस्सेदारी मिलती है तो उनको वो जस्टिस मानते हैं सोशल इक्विटी भी कह सकते हैं दो में क्वेश्चन है डिस्कस बी आर अम्बेडकर आइडिया एज ए सोसाइटी आइडिया एज ए थ्योरी ऑफ

टैगोर के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि वो कितने बड़े क्रिटिक जो है नेशनलिज्म के क्रिटिक वर्ड जो है और क्रिटिक ये दोनों में थोड़ा फर्क है अंग्रेजी में आपको बता रहा हूँ क्रिटिक मतलब एक एडजेक्टिव uh, है कि टैगोर वाज क्रिटिक क्रिटिक ऑफ uh, uh, क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म मतलब वो उसके जो है एक तरह से अपोजिशन में थे उसके uh, आलोचक थे क्रिटिक और क्रिटिक जो है वो नाउन है इसका मतलब होता है कि एक पीस जिसमें आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हो किसी चीज का तो ये क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म मतलब नेशनलिज्म का फॉर अगेंस्ट बताते हो क्रिटिकल एनालाइज करते हो 2023 में क्वेश्चन है डिस्कस टेगोर्स क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म ये इन्होंने गलत तरह से लिखा है तो ये इन्होंने अंग्रेजी का टांग तोड़ दिया है तो आप इसको ऐसे सीधा लिख सकते हो कि टैगोर का व्यू नेशनलिज्म पे क्या था बस यही आपको लिख देना है क्रिटिक छोड़ दो 2021 में है कंपेयर रविन्द्रनाथ टेगोर्स एंड मोहम्मद इकबाल व्यू ऑन वेस्टर्न नेशनलिज्म दोनों बड़ी मजेदार है ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि दोनों ही अलग अलग तरीके से वेस्टर्न नेशनलिज्म को काटते हैं रवींद्रनाथ टेगोर का कहना है कि जो वेस्टर्न नेशनलिज्म है वो आदमी के पैर में जंजीर डालती है क्योंकि आपको वो एक फिक्स्ड आइडियोलॉजी से बांधती है कि आप एक पर्टिकुलर कॉम के मेंबर हो तो आप एक तरह से ही सोचोगे एक तरह से खाओगे एक तरह से पहनोगे एक तरीके से व्यवहार करोगे तभी आप उस नेशन के मेंबर हो और आपको वो फ्री सोचने को नहीं देती है नहीं अलाउ करती है इसका मतलब यह है कि आपके फ्रीडम ऑफ थॉट को वो रोकती है नेशनलिज्म आपको वो कट्टर बनाती है आपको और ये भी है कि दूसरे नेशन को आप एक तरीके से अप्रिसिएट नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको लगता है कि मेरा नेशन ग्रेट है इसके चलते नेशनलिज्म को वो एक बीमारी मानते हैं मीनेस मानते हैं और कई लोग ऐसा कहते भी हैं और हम लोगों ने देखा है कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म से ही जो है फासिज्म आया उसी से हिटलरवाद आया उसी से मुसोलनी आया उसी से स्टालिन आया और वो जहाँ कहीं भी होता है अभी इसराइल भी उससे गुजर रहा है तो देखिए उसका क्या मतलब कैसे वो अलग थलग पड़ते जा रहा है एक्सट्रीम नेशनलिज्म कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि एक्चुअली दुनिया जो है वो तो एक ही है आप अलग अलग बाउंड्री घेर के, के कहेंगे हम ये हैं हम ये हैं ये कहना तो बड़ा ही आर्टिफिशियल जैसा ही है अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी एक है अर्थ एक है और कहीं भी किसी को जाने का अधिकार होना चाहिए और विश्व बंधुत्व की बात हम हजारों साल से करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं क्योंकि हमारा हमारा थॉट वही है हम पूरे दुनिया को एक मानते हैं तो इसके चलते जो है वेस्टर्न नेशनलिज्म को टैगोर उस बेसिस पे नकारते हैं फ्रीडम के बेसिस पे एक आदमी के फ्रीडम को वो जो है वो चकड़ता है मोहम्मद इकबाल जो है उसको इसलिए नकारते हैं कि वो कहते हैं उसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं है जो जो मिल्ल होनी चाहिए कम्युनिटी या नेशन होनी चाहिए वो स्पिरिचुअल होनी चाहिए उसमें वो इसलिए क्योंकि हम एक तरीके से जो है गॉड से जुड़ते हैं इसलिए हम एक नेशन है मतलब इकबाल का कहना है उसको उन्होंने मिल्ल कहा था दोनों आप पढ़ सकते हैं 2020 में है क्रिटिकली एग्जामिन टैगोर्स क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म अभी ये ये, ये यहाँ भी टांग टूटी हुई है यहाँ भी है तो आप उसको बस नेशनलिज्म पे जो उनके व्यू है लिख दीजिएगा टैगोर्स क्रिटिक ऑन नेशनलिज्म मतलब है कि उन्होंने नेशनलिज्म कि क्या बुराई की यही समझ लीजिए वहाँ क्रिटिक कंपेयर टैगोर व्यू नेशन एंड नेशनलिज्म यहाँ पे वो टैगोर और सावरकर का व्यू से कंपेयर कर रहे हैं देखिए सावरकर जो है वो कहीं ना कहीं वो वेस्टर्न नेशनलिज्म को नकारते नहीं है वो उसी के मॉडल पे देखते हैं वो उससे कंपेयर करने लगते हैं कि जिस तरीके से इंग्लैंड एक नेशन है स्पेन एक नेशन है उसी तरह हिंदू नेशन हम हैं हमारे भी एक कल्चर है एक रेस है एक जो है टेरिटरी है तो हम वेस्टर्न नेशन के तौर पे वो नेशन देखते हैं उसको जस्टिफाई करते हैं उसमें कई 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 प्रॉब्लम आती है क्योंकि एक्चुअली हम वैसे नेशन है नहीं और इसी चलते हिंदुत्व जो है उस पर डिबेट होती है कि क्या हम हिंदू राष्ट्र बन सकते हैं और यदि हिंदू राष्ट्र बनेंगे तो जो यहाँ मल्टी रिलीजियस मल्टी इथनिक पीपुल है नॉर्थ ईस्ट के पीपुल किस राष्ट्र को कहेंगे वो तो क्रिश्चियन है पंजाब के लोग किस राष्ट्र की बात देखेंगे वो सिख हैं साउथ में इतने सारे मुस्लिम हैं ईसाई हैं वो कैसे देखेंगे कश्मीर कैसे अपने को इंडिया का राष्ट्र देखेगा हिंदू राष्ट्र और जो माइनॉरिटी है वो कैसे बिहेव करेंगे इसके चलते जो है प्रॉब्लम आती है जब भी हम यूरोपियन नेशनलिज्म को अपनाते हैं यदि हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करें तो वो एक मल्टी लिंग्वल मल्टी इथनिक होगा जहां सिविक नेशनलिज्म की बात की जा सकती है हम इथनिक नेशनलिज्म की बात नहीं कर सकते इस मायने में टैगोर सावरकर बिल्कुल एक दूसरे छोर पे देखते हैं टैगोर नेशनलिज्म को ही बीमारी मानते हैं और और सावरकर जो है नेशनलिज्म का पुरजोर जो है समर्थन करते दिखते हैं उनका मानना है कि यदि हम नेशनलिस्ट हैं तो हम देश को काफी आगे ले आ सकते हैं और वो भी जो है हमें हिंदू नेशनलिस्ट होने की जरूरत है क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र है दोनों एक बहुत ही अलग अलग छोर पे दिखते हैं इकबाल जैसा मैंने बताया कि वो कम्युनिटी की जो उनकी थॉट है और कैसे इंडिविजुअल कम्युनिटी से जुड़ता है जिसको उन्होंने खुद ही या सेल्फ आ, का आइडिया कहा था उस पर उनके खासे व्यू आपको पढ़ने हैं तो इकबाल का व्यू जो कम्युनिटी पे है कोर्स ये रिलीजियस कम्युनिटी है स्पिरिचुअल कम्युनिटी है ब्रदरहुड है और उसी ग्रुप को वो नेसर भी मानते हैं और उसमें डेमोक्रेसी देमो, भी उसी तरीके से वो देखते हैं वो मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी ना होकर के स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है जिसमें कोई ऊंच नीच कोई भेदभाव दुराव छिपाव नहीं है वहां पे कंप्लीट जस्टिस है कंपैसन है और एक दूसरे के लिए प्यार है 2022 ट्वेंटी टू में नोट्स ऑन इकबाल बाल कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी तो कम्युनिटी 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 सिलेबस से लिया गया है ये चारों क्वेश्चन सेम है और यहाँ पे भी वही है सेंट्रल करेक्टर्स टू इस्लामिक कम्युनिटी इन इकबाल वाट आर द देंट्रल करेक्टर्स ये क्वेश्चन घुमा हुआ आपको लग रहा है लेकिन आपको लिखना वही है कि इकबाल का कॉन्सेप्ट कम्युनिटी क्या है तो आप देखेंगे कि हर समय नोट्स ये लगभग आते हैं और वो भी इकबाल के कम्युनिटी पे ही आते हैं तो क्यों ना आप मेरे गाइड से इस नोट को पढ़ लीजिए रट लीजिए और लिख दीजिए और मेरे वीडियो लेक्चर को भी देख लीजिए कि उन्होंने कम्युनिटी को कैसे एक्सप्लेन किया और इंडिविजुअल कम्युनिटी से कैसे जुड़ता है ये कैसे लिए? सावरकर का तो हिंदुत्व कितनी बार मैंने डिस्कस कर लिया है हिंदू राष्ट्र अभी भी मैंने डिस्कस किया वो उस पर भी दो तो हज़ार तेईस में केवल नोट्स पूछा गया है सावरकर व्यू ऑन हिंदुत्व तो हु इज हिंदू ये लिख दीजिए हिंदू राष्ट्र के क्या क्या तीन फीचर है वो लिखिए और उसकी क्या प्रॉस एंड कौन सा ये लिखिए जो मैंने अभी आपको डिस्कस भी किया 2022 में नोट है नोट्स ऑन सावरकर कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व सेम क्वेश्चन एनालाइज वी डी सावरकर डिफिनिशन ऑफ हिंदुत्व मतलब हिंदू कौन है या हिंदुत्व क्या है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ हिज आइडिया ऑफ नेशनलिज्म तो ये दोनों वही है हिंदू राष्ट्र और कौन हिंदू है तो कौन हिंदू है उनका कहना था जो कि ये जो भारतवर्ष है जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और द्वारका से लेके जो अरुणाचल प्रदेश तक का जो भूभाग आप कह सकते हैं उसको अपनी पुण्य भूमि या फादरलैंड पितृभूमि या पुण्य भूमि मानता है जो कभी ना कभी जिनके माँ बाप या जो पूर्वज जो है हिंदू रहे थे और वो एक ऐसे रिलीजन को फॉलो करता है जिसका जन्म इंडिया में हुआ है यदि इस डेफिनेशन पे देखिए तो सिख हिंदू हैं बौद्ध हिंदू हैं जैन हिंदू हैं लिंगायत एंड जितने भी और सेक्ट हैं योगा सिद्धा सभी जो हैं वो हिंदू हैं केवल हिंदू कौन नहीं है मुस्लिम क्योंकि वो ऐसे रिलीजन को मानते हैं जो इंडिया से बाहर जन्म लिया है मुस्लिम नहीं है ईसाई नहीं है पारसी नहीं है ऐसे लोग हैं और तो और हिंदू राष्ट्र उनका कहना है कि जैसे यूरोपियन राष्ट्र है उस टाइप के हम राष्ट्र हैं जिसमें कि हम एक हमारा कल्चर है वो ऑफ कोर्स हिंदू कल्चर है एक हमारी टेरिटरी है हम उसमें हजारों साल से रहते हैं और एक रेस है हमारी रेसियल फीचर ऐसी है कि लोग बता देंगे कि हम भारत के लोग हैं और वो एक हिंदू राष्ट्र है और उनका ये नहीं कहना था कि इस हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम सिख ईसाई या सिख तो खैर हिंदू ही है वो नहीं रह सकते उनका कहना था कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू स्टेट अलग अलग बातें हिंदू राष्ट्र तो हिंदू ही कल्चर पे चलेगा लेकिन इसमें दूसरे धर्म के लोग भी समानता के साथ पॉलिटिकली जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी के साथ या इकोनॉमिक इक्वालिटी के साथ रह सकते हैं दो हजार उन्नीस में नोट है सावरकर ऑन हिंदुत्व तो केवल हिंदुत्व 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 पे ही इनके नोट या था पूछे जा रहे हैं नेहरू के व्यू केवल सेक्युलरिज्म पे पूछे जा रहे हैं तो नोट्स है व्यू ऑन नेकुलरिज्म सीधा सीधा और नेहरू के सेकुलरिज्म पे इतना विवाद होता है अब तो वो टॉपिक और भी हॉट हो गया है वाजपेयी जी ने भी इसकी बुराई की आडवाणी जी ने की और अब तो जो एक नई हिंदुत्व है वो तो बिल्कुल नकार चुकी है नेहरू जी के सेकुलरिज्म को जो कि उनका मानना है तो इनका जो सेकुलरिज्म है उसको माना जाता है कि वो बहुत ही वेस्टर्न सेकुलरिज्म था जहाँ पे कि हम एक तरीके से पंथ निरपेक्ष हो जाते हैं लेकिन धर्म निरपेक्ष भी हो जाते हैं और धर्म निरपेक्ष इंडियन में बुरा माना जाता है क्योंकि धर्म जो है वो कोई रिलीजन नहीं है वो वे ऑफ लाइफ है वो राइटियसनेस है वो हमारी ड्यूटी है हमारा गुण धर्म है उसको हम छोड़ दिए तो फिर क्या बचा लोगों का ये कहना है लेकिन उसको जो हिंदुत्व ट्विस्ट इस तरह से हो जाती है कि हम हिंदू धर्म को हम कैसे त्याग सकते हैं इस राष्ट्र में जहाँ पे कि हिंदू मेजोरिटी में इन सब के चलते जो है काफ़ी गढ़ मड होती है मतलब जो हिंदुत्व फिलासफी को फॉलो करते हैं उसके लिए नेहरू सेकुलरिज्म इज तुष्टिकरण अपीजमेंट टू तु द माइनॉरिटी फॉर वोट और जो लिबरल हैं उनके लिए नेहरू का सेकुलरिज्म बहुत ही अच्छा सेकुलरिज्म है जो इक्वी डिस्टेंट रखता है एक रेस्पेक्टेबल डिस्टेंस वो इंटरफेयर तब तक नहीं करता रिलीजियस मामलों में जब तक कि किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट अहित ना हो या कोई और इस तरह की बात ना हो जो कि इंटरफेयर करनी पड़े और हर धर्म को बराबर मानता है यदि यदि गवर्नमेंट किसी को सपोर्ट करेगी एक धर्म को तो नहीं दूसरे धर्म को करेगी तो कई लोग इसको अच्छा मानते हैं लेकिन कई लोग जो है बहुत तरीके से इसको अच्छा नहीं मानते हैं खास करके मैंने इसे बताया जो हिंदुत्व फिलोसफी को फॉलो करते हैं इसके अलावा कई लोग जो है जो गांधीयन थॉट वाले भी हैं वो भी कहते हैं कि रिलीजियन और

आप कह सकते हैं कंपैसन है जो जो उसकी स्पिरिचुअलिटी है जो उसकी इमेंसिपेटरी कैपेबिलिटी है उसको पॉलिटिक्स में लेना चाहिए नेहरू जी कहते हैं कि रिलीजन बहुत डेंजरस है उससे दूर ही रहो उसे कुछ भी मत लो पॉलिटिक्स में दोनों में ये फर्क है और सेक्युलरिज्म जो है गांधी जी का सेकुलरिज्म बहुत ज्यादा धर्मनिरपेक्ष नहीं था पंथ निरपेक्ष था उनके लिए हर पंथ समान है लेकिन वो हिंदू हैं और हिंदू धर्म hmm. को हम नहीं छोड़ेंगे जो हिंदू होने की जो हमारी हिंदुत्व तो भावना है वो तो रहेगी हमारी और यदि हम अच्छे हिंदू है तो अच्छे इंसान है और यदि अच्छे इंसान है तो हम हर धर्म को जो है प्यार कर सकते हैं दोनों में फर्क समझिए नेहरू जी कहना तो सब चक्कर में पढ़ना ही नहीं है हम धर्म को पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग करते हैं मैकेवली की तरह या लॉ जॉन लॉक और हॉब्स रूसो की तरह हम बिल्कुल अलग करते हैं हम अपने प्राइवेट में यदि हमको पूजा करनी है तो अपने प्राइवेट रूम में करेंगे लेकिन जब हम प्राइम मिनिस्टर के रूप में ड्राइंग रूम में जाएंगे तो हम किसी भी धर्म की बात नहीं करेंगे तो ये कितना डिफरेंट है आप देख सकते हैं अभी का जो डिस्पेंसेशन है जो ऑफ कोर्स जो, जो हिंदुत्व तो है फिलोसफी से गाइडेड उन्होंने इसको नकार दिया है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूजा कर सकते हैं पब्लिकली एक पर्टिकुलर धर्म यदि वो हिंदू है तो हिंदू अपने को बता सकते हैं हिंदू के धर्म के, के अनुष्ठान कर सकते हैं अब इस पर डिबेट हो सकती है कि ऐसा एक प्रधानमंत्री को सेकुलर कंट्री में करना चाहिए कि नहीं लेकिन इस पर भी डिबेट है कि सेकुलरिज्म है क्या और इंडिया के सेकुलरिज्म कितनी दूर तक जानी चाहिए तो ये बातें हैं मतलब यहाँ पे एक डायकोटमी जो आती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म है लेकिन हमारी प्रैक्टिस जो है वो पता नहीं क्या है और हम कब इसको रिकंसाइल करेंगे कि जो हमारी प्रैक्टिस है या जो हम करना चाहते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो एक हो ये अभी भी ये स्ट्रगल चल रही है इसलिए नेहरू जी का सेकुलरिज्म बहुत ज्यादा रिलीवेंट है ये डिबेट जो है तो नेहरूज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन सेकुलरिज्म तो अभी हमने डिस्कस किया है मैंने वीडियो में भी बहुत बार इसको कहा है और गाइड में भी तो आप इसको पढ़ के लिख सकते हैं नेहरू का व्यू जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म पे ऑफ कोर्स ये सेकुलरिज्म इसके सिलेबस में है लेकिन सोशलिज्म भी उनका उतना ही इंपॉर्टेंट था लेकिन मैं कहूंगा कि उसको मत पढ़िए ये नहीं आएगा उनके व्यू सेकुलरिज्म पे ही आने वाला है क्योंकि सेकुलरिज्म इस सिलेबस में है लेकिन फिर भी यदि आपको देखना है तो एक पूरी वीडियो नेहरू का पार्ट टू मैंने सोशलिज्म पर लिखा आप उसको पढ़ लीजिए सोशलिज्म सेकुलरिज्म दोनों पढ़ लीजिए वो भी एक अलग तरीके का सोशलिज्म था वो फेबियन सोशलिज्म था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म था वो कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं था जिसको सोशल डेमोक्रेसी कह सकते हैं वो था मिक्स्ड इकोनॉमी लोहिया का शोषित लो, वर्ग हैं बैकवर्ड कास्ट है उनको हिस्सेदारी देने की बात थी कि जिसकी जितनी संख्या है उतना उसको जोड़ दिया जाए अभी जो कास्ट सेंसस हो रही है वो लोहिया के उन सोशलिस्ट से बहुत ज्यादा गाइडेड है इसलिए लोहिया आज भी जो है बहुत ज्यादा पोलिटिकली रिलीवेंट इनफैक्ट जितनी जो पोलिटिकल पार्टी है जिसको हम सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं चाहे वो समाजवादी पार्टी हो जनता दल सेकुलर हो आर जे डी हो समता पार्टी हो जनता दल यूनाइटेड हो बीजेडी बी जे डी हो ये सारे जो है लोहियावादी पार्टियां ही हैं दो हजार तेईस में क्वेश्चन है क्रिटिकली इवेल्युएट द रिलिवेंस ऑफ लोहिया इज कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म इन कंटेम्पोरे टाइम्स तो उसको आप मेरी पूरी वीडियो इसी पे है पढ़ लीजिए कई बार देख लीजिए नोट्स ऑन लोहियाज कॉन्सेप्ट ऑफ फोर पिलर स्टेट चाव चौक हम्बा राज वो बोलते हैं मतलब जो बेसिकली गांव से लेके और जो नेशन तक का जो, जो यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट उसकी वो बात करते हैं लोहिया का जो व्यू सोशलिज्म पे अगेन वो आ गया सेम क्वेश्चन कास्ट क्वेश्चन जो है कास्ट क्वेश्चन पे उनका व्यू बहुत ही अलग है वो कास्ट को नकारते नहीं है वो कास्ट को कहते हैं कि कास्ट जो है वो अच्छी चीज नहीं है कास्ट को जाति तोड़ो वो कहते हैं जाति के बंधन को तोड़ो लेकिन यदि कास्ट के चलते ऑपरेशन हुआ है हिस्टोरिकल काल में तो उसको बेसिस बना करके जो है हमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ला करके ही समता आ सकती है इसको भी वो बात कहते हैं ये दोनों में फर्क समझिए सो so, उनका जो थर्ड वे सोशलिज्म का है और उनके जो डिफरेंट थ्योरी है लाइक व्हील्स ऑफ हिस्ट्री है फोर पिलर स्टेट है और जो कैची स्लोगन है जेल वोट स्पे जाति तोड़ो दाम बांधो ये सब पढ़ लीजिए मतलब मैं कहूंगा कि जो वीडियो है उसको छह सात बार जरूर देख लीजिए और गाइड को आठ नौ बार पढ़ लीजिए ये तो चलिए सॉरी ये ये सब पुराना कॉपी पेस्ट है इसको आप भूल जाइए ये सब जो है ये अभी अभी ये सब छोड़ को छोड़ दीजिए आप मुझको इस तरीके से मिल सकते हैं मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके आ, सवालों के जवाब देने के लिए और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली अभी भी इसको लाइक करें शेयर करें और लोगों को बताएं और अपने जूनियर को बताएं क्योंकि एक बैटर्न है कि पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी जो है वो जूनियर जो आपके बैचेज हैं जो एन उनके लिए भी वो है और उनके लिए भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी टाइम मिले उनके क्वेश्चन को भी एनालाइज करें तो डेफिनेटली आप ये मैसेज दीजिए कि पॉल्स एंड सेल्फ हमेशा उनकी हेल्प करता रहेगा एग्जामिनेशन से पहले हम पी वाई क्यूए लाते रहेंगे और क्वेश्चन पेपर जरूर आप शेयर कीजिए देखना मेरे लिए हमेशा इंटरेस्टिंग होता है कि जो मैं डिस्कस करता हूँ वो उस तरह के पेपर आए या नहीं और आपने कैसे लिखा तो गुड विसेज कल आपकी टेस्ट है कल एग्जाम लिखिए और एग्जाम लिख करके और फिर हमें शेयर कीजिए आई विल बी हैप्पी विल डिस्कस एंड आपके रिजल्ट जो आने वाले हैं अब आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है कई आप में से मेरे ग्रुप में भी रहे होंगे तो आप लोग अपने जे के रिजल्ट डी के एडमिशन रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कई लोग का भी सो गुड विशेज फॉर टू चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ ऑफकोर्स आपके लिए तो वो होगी एम सी क्यू तब तक के लिए विदा टेक केयर बाय